अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे। और मेरी तरफ से तमाम देखने वाले और सुनने वाले तमाम सब मेरी यूट्यूब फैमिली को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो आज ईद है तो मैंने और अभी मैंने खाने मीठे में सेवइयां, और ऐसी हो ही नहीं सकता, मीठी ईद और मीठा ना खाऊं। और सुबह सुबह मैंने खानी है सेवइयां, तो मैं अभी खा रही हूँ। और माशाल्लाह से बहुत मज़े की धूप है, मैं तो अभी तक तैयार नहीं हुई। और ये भी जबार जो है कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर जो है वो पत्तियाँ फेंक रहा था, जो फूल की नहीं होती वो, और अगरबत्तियाँ लगा रहा था। तो सुबह सुबह सब जाते हैं ना कब्रिस्तान, जाके दुआ करते हैं, तो मैंने यहाँ से दुआ कर ली थी। तो मैंने कहा चलें इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो ये सब कब्रिस्तान पे, सब कब्रों पर इसने फूल डाले, तो मैंने कहा थोड़े से मेरे लिए भी छोड़ना, मुझे चाहिए। तो माशाल्लाह से काफ़ी, माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है, धूप है। सुबह तो जब मैं जागी थी तो मुझे लग रहा था बस आज बारिश ही है, तो अल्लाह करे धूप ही हो। अभी जी मैंने इसे बोला है मुझे ला के दो पत्तियाँ तो फूल की, तो माशाल्लाह से ये देख कितनी प्यारी हैं, तो इनकी खुशबू कितनी प्यारी है। तो भी ये जो है थोड़ी सी जो बच गई है वो नाना अबू और नानों की कब्र है, वहाँ पे भी डालनी है। अभी मम्मा जाएंगी डालने, तो मम्मा डाल जाएंगी, मैंने थोड़ी सी बीच में से रख ली हैं। और मैंने कहा था धूप हो, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, तो ना पूछे बस जल्दी जल्दी से मुझे अंदर लेके आए, और बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई। फिर सब जो भी मेहमान आए थे वो सब अंदर ही बंद हो गए, क्योंकि बच्चे भी घूम रहे थे, लेकिन इतनी ज़ोरदार किस्म की बारिश हुई तो सभी भागते भागते कोई किधर कोई किधर नीचे लग गया। तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन अभी तो बारिश हो गई, जब बारिश है तो मुझे फिर मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बारिश में तो बस एक ही दिल करता है बस सो जाएगा। तो देखें आप बारिश में ट्राई करें, तो ये है कि बारिश ना हो ना, बारिश हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो जाती है, इंसान का दिल नहीं करता है तो घूमने का। और ईद के तो कपड़े भी बहुत पतले पतले होते हैं ना, इसलिए ना बहुत सर्दी लगती है। और ये मैंने जो है मेहंदी जो है वो रात को तो नहीं लगाई थी, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो इसलिए मैंने फिर सुबह लगाई। तो ये भी बस ये, तो ये देखें गाइस, तो देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है अभी भी, तो बारिश अभी भी आई हुई है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। वो आपको पीटीआई का झंडा नज़र आ रहा होगा ना, उससे आप देख सकते हैं, वैसे नहीं फील किया जा सकता कितनी तेज़ हवा है। तो ये देखें मेरे खुशे, जो मैंने आपको पहले नहीं बताई। और ये देखें, ये हैं जो कब्रिस्तान पर वो कब्रों पर ना फेंकने के लिए लेके आए थे ना, तो मैंने बीच में से थोड़े से रख ली, मुझे बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू लगती है, इतनी अच्छी इतनी प्यारी खुशबू है इनकी, बहुत प्यारी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मम्मा अभी भी कह रही थी ये कहीं कब्रिस्तान के ऊपर कब्र के ऊपर पड़ जाते तो, लेकिन आपने रख लिया, मैंने कहा मम्मा मुझे अच्छे लगते हैं ना इसलिए मैंने रखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए बत्तियाँ वैसे मैंने नीचे नहीं फेंकती, अच्छा नीचे फेंको फिर गुना होता है। अच्छा ये देखें, देखिए अब मैं अपनी सिस्टर को बताती हूँ, ये बड़ी शर्मीली है, मुझे कह रही है मैं बीच में ना हूँ, मैंने कहा ठीक है आपको नहीं आती, जैसे आप साइड पे हो ना प्यारे प्यारे आपके कपड़े हैं ना, इसलिए ये देखें। तो मैं कहती हूँ मेरे साथ एक मेरी सिस्टर हो जो मेरे साथ व्लॉग बनाए, कली मुली में व्लॉग बना रही होती हूँ, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, लेकिन क्या करूँ, अरीशा को मैं बहुत मिस करती हूँ। कह चले ये था कि सुबह से तो इधर मेहमान भी आ रहे थे, ये है कि सुबह बारिश नहीं थी, मौसम तो ठीक था, लेकिन मेहमान वगैरह आ रहे थे इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाई, और मैं लेट ही तैयार हुई हूँ। तो फिर जब मैंने कहा कि मैं भी व्लॉग बनाऊंगी, तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, तो फिर मेरी व्लॉग रह गई। तो भी मैंने कहा चलें थोड़ी सी बारिश ख़त्म है तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि बारिश में तो मुझे इतनी सर्दी लगती है, मैं कहती हूँ बस बिस्तर में सो जाऊँ। तो मैंने कहा चलें व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये है कि मैं अरीशा रूहान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बच्चों के बना तो घर सूना सूना होता है। तो दूसरे मेरे भाई दोनों जो हैं वो बस
आए और ईद मिले, फिर चले गए, फिर थोड़ी देर बाद आए, फिर चले गए। बस वो कभी किसके घर, कभी किसके घर जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं और मेरी सिस्टर और मम्मा ही हैं घर में, बस मेहमान आते हैं और देखते हैं, बस फिर ये यही है बस। तो लेकिन सर्दी है ना, गर्मी होती है, मतलब धूप होता है, इंसान बाहर अंदर जाता कुछ ना कुछ ना, तो बारिश में तो बस एक ही जगह बैठना है। तो ये है, तो इंशाल्लाह कल मौसम ठीक हुआ तो फिर कुछ ना कुछ इंसान बाहर अंदर चलेगा। तो आई होप कि आप सबकी भी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और मुझे ईदी किस किस ने दी है, मुझे ईदी तो किस किस ने दी है, ये मैं आपको ईद के तीसरे दिन ही बताऊँगी कि मेरी ईदी कितनी हुई है और मुझे किस किस ने दी है। तो अभी तो यह है, मैंने मम्मा से भी नहीं ली अभी तक ईदी, कुछ भी फिर नहीं किया मैंने, फिर बस लेती रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और आज मैं तैयार शा रही हूँ, तो मैंने ये सारा बॉक्स चीज़ों का जो था वो मैंने लगाया है। वैसे मैंने क्या क्या लगाया है, मैंने आई मेकअप किया, आई लाइनर लगाया है, पता नहीं कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आज मैं तैयार रही हूँ। तो बस इतना ही था। अब ये रिश्ता लोगों को मैं याद कर रही हूँ, होते हम लोग उनके साथ अच्छा अच्छा होते। तो बस अभी कुछ भी नहीं है घर में, बच्चे वगैरह तो कुछ भी नहीं है, तो बंदर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बंदर बहुत ज़्यादा हैं इधर, बार बार आ रहे हैं। तो आप दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को भी हमेशा। उनको मुझे आज भी ना खुशी के मौके पर भी मुझे फ़िलिस्तीन के मुसलमान बच्चे याद आ जाते हैं और वो कभी भूलते नहीं हैं। तो आप भी कभी ना भूलिए कि उनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनके भी खुशियाँ वापस लेके आए, अल्लाह पाक उन्हें भी उनकी मुश्किलात को भी दूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।